आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ साड़ियाँ और आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी ये साड़ियाँ, क्योंकि वेडिंग सीजन के हिसाब से ये साड़ियाँ बहुत ज्यादा बेस्ट है और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आई। इसी टाइप के अफोर्डेबल प्राइस वाले हॉल में आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड विदाउट हैविंग टू मच वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर करना। ऑल्सो इन सारी साड़ियों का कोड या लिंक जो भी होता है वो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ, तो चेकआउट जरूर करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली साड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये नेट की साड़ी रेड कलर है, प्रॉपर रेड, जो मतलब जो एकदम ब्लड वाला रेड होता है ना, वो वाला रेड है इसका। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो रेड कलर की साड़ियाँ पहनने में तो ये साड़ी डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक देती है ये साड़ी। और इसका लुक भी आप लोगों के साथ बहुत जल्दी मैं शेयर करूंगी, अभी तक तो मैंने इसको ट्राई नहीं किया है बट बहुत जल्दी मैं इसको पहनने वाली हूँ। हो सकता है जब तक वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे तब तक मैं इसको पहन के अटक मटक के आप लोगों के साथ सामने आ भी जाऊँ। तो वैसे भी मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करती कोई भी चीज़ पहनने में, मेरे पास आती है तो मैं पहन के उसे अटक मटक लेती हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है नेट की साड़ी और इस तरीके से पूरा फुल वाला वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। ये पल्लू वाला पार्ट है, ओके, मैं आपको पहले पल्लू ही दिखा रही हूँ। और बॉर्डर में कुछ इस टाइप से इसमें पूरा वर्क किया गया है रेशम के धागे से, और ये देखिए पल्लू में भी इस तरीके से पूरा जाल वाला वर्क जो होता है ना, पूरा इस तरीके से आपको फूल पत्ती वाला काम मिल जाएगा। पूरा रेड कलर के रेशम के थ्रेड से इसमें एम्ब्रॉयडरी करी गई है। सबसे बेस्ट पार्ट ये मुझे लगा इसमें कि इन्होंने बैक साइड में भी इस टाइप से कुछ कवर किया है, जिससे साड़ी का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है और साड़ी थोड़ा एक्सपेंसिव लुक दे रही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खास लगी इस नेट की साड़ी में, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि अगर नेट की साड़ी मैंने आज तक जितनी परचेस करी है उसमें ये इस टाइप से ये लोग कट करके दे देते हैं, तो ये बहुत गंदा लगता है, ये नहीं करना चाहिए लोग। बाकी साड़ी बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है। तो ये रहा आपका जो आपकी जो प्लीट्स में जो फैब्रिक आएगा ना, वो ये वाला इस टाइप से कुछ इसमें डिज़ाइन दिया गया है, जो कि पूरा आपको इस तरीके से आपकी कमर वाली प्लीट्स में देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपको पूरी फैब्रिक प्लेन मिलेगी इस टाइप से। एंड ये रहा इसका ब्लाउज, देख सकते हो ब्लाउज का फैब्रिक इतना ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ज़्यादा काम चलाऊ वाला फैब्रिक है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें भी इन्होंने पूरा फुल वर्क करके रखा हुआ है, तो इस तरीके से आप अपने स्लीव्स में दोनों साइड अटैच करवा सकते हो, और ये आप अपने फ्रंट में रखिए या बैक में रखिए तो ये डिज़ाइन आपका ब्लाउज में भी आ जाएगा। और इसके फैब्रिक की बात करें, नेट की क्वालिटी की बात करें, तो नेट की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है, आप इजीली आपकी बॉडी में ये हग करेगी, मतलब आपकी बॉडी को अच्छे से चिपक कर बैठ जाएगी, जैसे आप ड्रेप करोगे वैसी ही रहेगी। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है इसका फैब्रिक। मैं सबसे ज़्यादा इस साड़ी में किस चीज़ से इम्प्रेस हूँ, इसका जो कलर है, मतलब कलर के काफ़ी सारे वेरिएशन होते हैं ना अलग अलग टाइप के, तो इसका जो रेड कलर है ना एकदम ब्लडी रेड है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो इसी वजह से ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। हो सकता है आपको वीडियो में इसका कलर जो है लाइट दिख रहा होगा, बट यहाँ पर जब मेरे सामने है ना, तो ये इसका कलर मतलब मुझे बहुत माइंड ब्लोइंग लगा। आज तक मेरे पास इस कलर की साड़ी कभी नहीं आई थी, ना ही मैंने कभी परचेस करी थी, बट ये फर्स्ट टाइम है जो मुझे इस टाइप की ये इस कलर की साड़ी मिली। तो डेफिनेटली आप इस साड़ी को चेकआउट कर सकते हो, अगर आप न्यूली मैरिड हो तो ये साड़ी को ज़रूर ट्राई करना। मैं इसको पहनने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ, और इसका लुक कैसा निकल कर आएगा, मैं बहुत मतलब एक क्रियोसिटी होती है ना कोई भी चीज़ को पहनने की, तो बस वही वाली एक्साइटमेंट है इसमें। तो आप ये चेकआउट कर सकते हो, न्यूली मैरिड के ऊपर ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, या फिर आपकी शादी होने वाली है तभी भी आप ये साड़ी परचेस करके रख सकते हो, बिल्कुल भी कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाली है मुझे जहाँ तक पता है। तो ये साड़ी आप ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर करना। वेडिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, ट्राई कर सकते हो।
और ऑल्सो आप इसको पूजा पाठ में भी पहन सकते हो क्योंकि पूजा पाठ में रेड कलर चलता ही है। ओके, तो अब हम यहाँ पर सेकंड साड़ी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि ये भी आप पूजा में आराम से पहन पाओगे। मैंने इस बार कलर ही ऐसे लिए हैं जो आपके हर ओकेजन में चल जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इसका जो कलर है जो हल्दी वाला कलर होता है वो सॉरी मस्टर्ड येल्लो कलर, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कुछ इस टाइप की ये साड़ी है। और मैंने इसको पहन भी लिया है बट इसकी फ़ोटो वीडियो एक भी नहीं बनाई मैंने, कहीं आने जाने में शायद मैंने इसको पहना हुआ है। और फॉल वगैरह मैंने इसमें लगवा ली थी क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी पूजा लायक, तो मैंने इसको पहना हुआ है, पूजा उजा में ही शायद पहना हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो पूरी साड़ी आपको इस तरीके से मस्टर्ड येल्लो कलर की मिल जाएगी। देन इसका जो पल्लू है आपको इस टाइप का मिल जाएगा। इसका ब्लाउज भी मैंने स्टिच करवा लिया, इसका ब्लाउज इस कलर का है मेहंदी कलर का, एंड आपको गोल्डन गोल्डन ब्लैक कलर का इस तरीके से ब्लैक कलर का पट्टा है उसके ऊपर आपको गोल्डन जरी वर्क मिल जाएगा। देन आपको पल्लू में इस तरीके की टेसल वाला इस तरीके से लटकन मिल जाएगा, एंड बीच बीच में भी आपको आपको जरी के बुट्टे दिख जाएंगे कुछ इस टाइप के, अगर आपको दिख रहे होंगे तो जरी के बुट्टे पूरी साड़ी में है एंड दोनों ऊपर नीचे सेम बॉर्डर है, एंड काफ़ी अच्छी साड़ी है। ब्लाउज भी मैंने यहाँ तक मतलब नी तक ब्लाउज बनाया है, तो ब्लाउज भी प्रॉपर अच्छा खासा लेंथ उन्होंने दिया है ब्लाउज का भी। साड़ी की लेंथ भी दोनों बहुत अच्छी है, नेट की साड़ी की भी लेंथ भी दोनों ही बहुत अच्छी है, तो नो डाउट आप दोनों साड़ियाँ देख सकते हो। फैब्रिक की बात करो फैब्रिक लाइक जो साटिन मटेरियल होता है वैसा ही है, तो फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है। फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगी बट ठीक है, ओके है प्राइस के हिसाब से, एंड आप देख सकते हो बॉडी में बहुत अच्छे से चिपक के बैठती है ये साड़ी, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो ये साड़ी। मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आई, जैसे कि पूजा वगैरह है कोई भी वेडिंग में भी आप पहन सकते हो, आपको सिर्फ अच्छे से स्टाइल करनी आनी चाहिए। मेरा बस ये फंडा है ना कि अगर आप 200 रुपए की साड़ी पहनते हो ना तो उसको आप किस तरीके से स्टाइल करते हो वो ज़्यादा डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा महंगी हजारों की साड़ियाँ पहनो तभी आपके ऊपर अच्छी लगेगी, आपको 200 रुपए की साड़ी भी स्टाइल करनी आनी चाहिए जिससे वो आपको एक रिच लुक दे सके। तो मेरा फंडा ये है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये साड़ी भी आप ट्राई कर सकते हो वेडिंग के लिए। वैसे मैं ऐसे छोटे मोटे स्टाइलिंग टिप्स भी शेयर करती रहती हूँ, तो जो मुझे कंटिन्यू देखते होंगे उनको आइडिया है कि मतलब हम बजट में भी चीज़ों को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। ओके, तो थर्ड हमारी साड़ी है ये हैवी वाली साड़ी, तो जिनको भी वेडिंग के हिसाब से साड़ी चाहिए तो वो देख सकता है। रुकना, ये थोड़ा सा ही रह गया है। ओके, जो थर्ड हमारी साड़ी है वो प्रॉपर वेडिंग के हिसाब से है, अगर आपको हैवी साड़ी चाहिए तो आप ये साड़ी बिल्कुल परचेस कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये साटिन सिल्क मटेरियल में साड़ी है, एंड पूरी साड़ी में आपको जरी का बॉर्डर सॉरी जरी वाला वर्क मिल जाएगा, इसी तरीके से फूल पत्तियों वाले डिज़ाइन एंड काफ़ी चौड़ी चौड़ी जरी वर्क वाली बॉर्डर दी गई हुई है। एंड इन साड़ियों में है ना मैंने एक साड़ी और इस तरीके की परचेस करी है, एक्चुअली मैंने दो साड़ियाँ तीन साड़ियाँ परचेस करी है, तो एक तो पूरी प्लेन है वो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एंड एक इसी तरीके की पूरी वर्क किया गया है बुट्टे बुट्टे हैं, एंड ये वाली साड़ी मुझे कुछ नया पैटर्न दिखा था। जैसा कि आप देख पा रहे पूरी साड़ी में आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा कुछ इस तरीके से, ये आपका कमर वाली प्लीट्स में आएगा नीचे नीचे, देन यहाँ पर आपका जो पल्लू है पूरा भरा हुआ है एम्ब्रॉयडरी वर्क से जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो फुल वेडिंग वियर साड़ी है, अगर आप न्यूली मैरिड हो या फिर आपकी शादी होने वाली हो तो ये साड़ी आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। एंड ब्लाउज की जो पूरी लेंथ है विथ है पूरा 1 मीटर आपको मिल जाएगा, तो आप फुल स्लीव ब्लाउज भी आराम से बनवा पाओगे। एंड यहाँ पर ये रहा इसका पल्लू पूरा फुल जरी वर्क से, तो ये साड़ी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। फुल लेंथ विद दोनों प्रॉपर है, नो डाउट बहुत अच्छी साड़ी है, एंड ट्राई करिए। और इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा मस्त है, ब्लाउज भी काफ़ी अच्छा आपका बन के निकल के आएगा क्योंकि फैब्रिक बहुत ज़्यादा है, तो बहुत जो पतले होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं उनके ऊपर किसी भी स्टाइल का आप इसमें ब्लाउज बनवा सकते हो। तो ये रही मेरी थर्ड साड़ी, एंड काफ़ी अच्छी साड़ी है, डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो फिर, ये रहा मेरा आज का वीडियो, अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इन तीनों साड़ियों में से आपको कौन सी साड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई बताना मत भूलना, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।